नमस्कार, मैं साक्षी मिनिस्टर न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं लोकसभा चुनाव की अभी तक की प्रमुख खबरें। राजीव गांधी ने INS विराट का इस्तेमाल आधिकारिक यात्रा के लिए किया था। विनोद पसरीचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और झूठ का खुलासा हुआ है। पूर्व वाइस नेवी एडमिरल विनोद पसरीचा ने बताया कि पीएम मोदी ने दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में झूठ बोला है। राजीव गांधी ने INS विराट का इस्तेमाल छुट्टी मनाने के लिए नहीं बल्कि आधिकारिक यात्रा के लिए किया था। कांग्रेस का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा इन्होंने वायुसेना के विमानों को टैक्सी बनाया। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के विमान का खुद की टैक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के विमान का इस्तेमाल मात्र 744 रुपए देकर किया है। प्रियंका का मोदी पर हमला, कहा इनसे बड़ा कायर और कमजोर पीएम मैंने आज तक नहीं देखा। प्रतापगढ़ में चुनावी रैली में प्रियंका ने मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि इनसे बड़ा कायर, इनसे कमजोर प्रधानमंत्री मैंने जिंदगी में नहीं देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में रो पड़ी आपकी अतिशी मालेना। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार अतिशी मालेना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़ी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के अतिशी के खिलाफ आपत्तिजनक पर्चा बंटवाने का आरोप लगाया। वाराणसी में नामांकन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तेज बहादुर यादव को दिया झटका। समाजवादी पार्टी के नेता और BSS से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव को तगड़ा झटका लगा है। वाराणसी सीट से नामांकन रद्द किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के रोड शो में लोगों ने किया प्रदर्शन। चुनावी मौसम में तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए रोड शो कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बुधवार को रोड शो का आयोजन किया, लेकिन जब यह रोड शो मुबारकपुर पहुंचा तो यहां पर फिर से लोगों ने हंगामा कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के दामाद भाजपा में हुए शामिल। पूर्व IAS अधिकारी सरवन सिंह चन्नी गुरुवार को यहां भाजपा में शामिल हो गए हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में सरवन सिंह चन्नी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। वह पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के निकट संबंधी भी है। रोड शो के दौरान सनी देओल के ट्रक पर चढ़ी महिला की आखिर बटाला में रोड शो के दौरान एक महिला सनी की गाड़ी पर चढ़ गई। सबको लगा कि वो सनी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए गाड़ी पर चढ़ रही है। सनी ने खुद उसे गाड़ी में ऊपर चढ़ने में मदद की, लेकिन उसके बाद उस महिला ने सनी को गले लगाया और उसके बाद उनके गाल पर किस कर दिया। अखिलेश ने बताया कि आखिर पीएम पद पर किसका करेंगे समर्थन। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री पद के लिए किस बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जानकारी के अनुसार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली बार खुलकर प्रधानमंत्री पद के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती का समर्थन करने की बात जाहिर की है। अखिलेश मायावती पर अमित शाह ने बोला जोरदार हमला। सपा और बसपा पर जाति विशेष के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आगे बढ़ते हुए किसी की जाति या धर्म पूछे बिना विकास कार्य किए हैं। भगवान गणेश की मूर्ति BJP के झंडे वाले वस्त्र पहनाए, दर्ज हुआ मामला। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति को भाजपा के झंडे और चुनाव चिन्ह वाले वस्त्र पहनाए जाने का मामला सामने आया है। मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। पहचान छुपाकर सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे थे पीएम मोदी के चाचा। सूरत के सिविल अस्पताल में बुधवार को तब हंगामा खड़ा हो गया जब स्टाफ को पता चला कि पीएम नरेंद्र मोदी के चाचा कांतिलाल मोदी नाम बदलकर उनके अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। MNS न्यूज़लाइन की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।